आए हाँ मैं आज लोग खड़े हो लाइन लगाए हो डिब्बा हाथ में क्या बात है क्या है डिब्बे ले खड़े हो सर पानी बहुत दिक्कत है पानी नहीं मिल पावा था नहाए धोए कर पीछे पाँच कर नहीं मिला था नहाए धोए कर आने गांव से भर भर लावा जाता है तो पिए मिला था नहाए पीछे मिला था पानी नहीं है नल से पानी नहीं डरिया था दूसरे गांव से पानी आवत है नहाए धोए बहुत परेशानी है अरे वहां से लावा था गईजर से लावा जाता कहीं मुरला से लावा जाता है कहीं नदी से भर के लावा जाता क्या दिक्कत है पूरे गांव के लोग रक्सेल पूरे गांव के लोग पानी के लिए इतने तरस रहे हैं कि पानी पीने के लिए इतनी ज्यादा समस्या है कि कोई भी अधिकारी चाहे एक्सेन हो जिले का चाहे वो डीएम हो चाहे किसी के पास हम लोग गए हैं जो जिस अधिकारी के पास गए वो अधिकारी हम लोगों का सुन नहीं रहा है और ना तो कोई नेता सुन रहा है। हम लोग पाल जी से भी कहे और विधायक राय जी से भी कहे दोनों लोग नहीं सुन रहे हैं कह रहे हैं जब भी बारिश होगा तो वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। आखिर आपके यहाँ पानी जब नहीं है तो कहाँ से पानी लाते हो कैसे जीवन यापन करते हैं? हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं पानी लाते हैं ग्राम गैजर से ट्रैक्टर और ट्राली लेकर जाते हैं 500 लीटर का एक टंकी और एक 200 लीटर का ड्रम लेके जाते हैं उस पर पानी लेकर आते हैं तब अपना लड़के बच्चे सब कपड़ा वकड़ा फिर धुलते हैं और क्या नाम है पीते हैं पानी। ऐसे भीषण गर्मी तो दिक्कत भी काफी होती होगी भाई पीने पानी की दिक्कत काफी दिक्कत होती है भीषण इस भीषण गर्मी में काफी दिक्कत होती है पानी पीने के लिए नहीं मिलता है ऐसी समस्या है कि बच्चे घर से बाहर निकल कर जाते हैं धूप में पानी लेके आते हैं 2 लीटर 4 लीटर तब घर पानी पीते हैं घर वाले। ऐसे में तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आप लोग किसी राजस्थान के रेगिस्तान में रहते हैं? राजस्थान से भी बेहतर बुरा हाल है यहाँ जैसा राजस्थान में हाल है उससे कहीं कम यहाँ नहीं है उससे ज्यादा है। 19 तारीख को यह बात आया है कि वहाँ दिक्कत है। अभी हम जो सोर्स से पता किए हैं इंडिया मार्ग सेकंड हैंडपम्प से ही वहाँ के लोग काम चला रहे हैं जो सैलो हैंडपम्प है उसे पानी नहीं मिल पा रहा है और वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविडेड भी है कि सैलो हैंडपम्प का पानी नहीं पीना है। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कपिलवस्तु ग्राम समूह पेयजल योजना से रक्सेल गाँव में पानी की सप्लाई होती है मगर अब कपिलवस्तु ग्राम समूह पेयजल योजना अपनी आयु पूरी कर चुका है। आने की बात चल रही डीएम साहब से भी बात हुआ डीएम साहब बोले हैं कि हमारे तरफ से एक हमारे दस्तखत से इसमें बनवा कर भिजवा दीजिए ये मिशन का कपिलवस्तु पेयजल योजना के लिए उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि रक्सेल में भी पानी की आपूर्ति हो सके जो है। और जहाँ तक रही बात इंडिया में हम खुद जाएंगे अभी जाते हैं तुरंत जो है कल सचिव साहब का कार्यक्रम था तो दिन भर हम उसी में व्यस्त थे सुबह से शाम तक और अभी हम उसको देख लेते हैं जाकर इंडिया में आकर हैंडपम्प के मरम्मत और रिपोर्ट का कार्य शासन के निर्देशानुसार संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाना है। फिर भी बात संज्ञान में आई है हम संबंधित जूनियर इंजीनियर को परसों ही बोल चुके हैं कि जो भी हैंडपम्प है